विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपन अपना अध्ययन बिंदु लेते हैं संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें संसाधन संरक्षण का अर्थ बताना है कि संसाधन संरक्षण से क्या अभिप्राय है। संसाधन क्या है आपको पता है, मानव उपयोगी पदार्थ या वस्तु संसाधन है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। प्रकृति ने हमें प्रकृति द्वारा दिए गए ऐसे पदार्थ या वस्तु जो मानव जीवन में उपयोगी हैं, उनको संसाधन कहा गया है। अब उनका संरक्षण यानी उनको बचाना, उनको बचाना। लेकिन विद्यार्थियों, यदि हम संसाधनों को बचाने की कोशिश करेंगे तो हमारा विकास अवरुद्ध रह जाएगा। इसलिए विकास की प्रक्रिया भी सतत चलती रहे और संसाधन भी बचे रहे। अतः संसाधनों का विवेकपूर्ण, मित्रतापूर्ण दोहन किया जाए और इस प्रकार से दोहन किया जाए कि उसका पुनर्भरण हो सके, संसाधन संरक्षण कहलाता है, ताकि भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। तो यहां ध्यान रखना, मानव पदार्थ वस्तु को बचाना, लेकिन बचाने का मतलब यह है कि हम संसाधनों का उपयोग रोक दें, नहीं। अगर हम संसाधनों के उपयोग को रोक देंगे तो हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए विकास की प्रक्रिया भी सतत चलती रहे और हमारे संसाधन भी बचे रहे। इस प्रकार से संसाधनों का दोहन मित्रतापूर्ण, विनाश रहित और पुनर्भरण सहित किया जाए तो उसे संसाधन संरक्षण कहते हैं। तो बताएंगे विकास के धारा भी लगातार चलती रहे और संसाधनों का उपयोग मित्रव्यता पूर्ण विनाश रहित तथा पुनर्भरण करके किया जाए तो संसाधन भावी पीढ़ी के लिए शेष बचे रहते हैं। इसे ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। इसे सतत कोशीय विकास के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम संसाधन संरक्षण का अर्थ बताएंगे। विद्यार्थियों, यहां संसाधन संरक्षण का अर्थ बताने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है
संसाधन संरक्षण की आवश्यकता, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता विद्यार्थियों संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण रहे, तो हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर एक, संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग। विद्यार्थियों हमें बताना होगा कि यदि हम संसाधनों का संरक्षण कर पाएंगे, उनका पुनर्भरण कर पाएंगे, विनाश रहित उनका उपयोग करेंगे, विक्रेतापूर्ण उनका उपयोग करेंगे, तो संसाधन हमारे भविष्य के लिए शेष बचे रहेंगे, और भविष्य के लिए शेष बचे रहेंगे तो हम उन संसाधनों का उपयोग लंबे समय तक कर सकते हैं। अतः संसाधनों का उपयोग लंबे समय तक करने के लिए संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पड़े। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का हमें दूसरा कारण बताना है, नंबर दो, भावी पीढ़ी के विकास हेतु। विद्यार्थियों यदि हमने संसाधनों का दोहन तीव्र गति से किया, अति दोहन किया, तो संसाधनों का तो विनाश होगा ही होगा, पर्यावरण भी नष्ट होगा, और जब संसाधन नष्ट होंगे तो हमारी भावी पीढ़ी उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगी, और भावी पीढ़ी उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगी तो भावी पीढ़ी का विकास अवरुद्ध रह जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। अतः भावी पीढ़ी के विकास को बनाए रखने के लिए संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। नंबर तीन बताना है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो तीसरा बताना है वह है वृक्षों के अंधा धुंध कटाई को रोकना। विद्यार्थियों यदि विकास तीव्र गति से होगा तो वृक्षों के कटाई अंधाधुंध होगी, क्योंकि वृक्षों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, इसलिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है। यदि संसाधन संरक्षण नहीं किया गया तो वृक्षों की कटाई बुरी तरह से होगी, जिससे वन संसाधन सीमित होगा और हमारा पर्यावरण दूषित होता हुआ चला जाएगा। नंबर चार, नगरीकरण के प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि हम संसाधनों का दोहन अधिक करेंगे तो उद्योगों का विकास होगा, तो उद्योगों में लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध होगा, इसलिए गांव के लोग धीरे धीरे शहरों में जाकर के बसना शुरू कर देंगे, इसी को नगरीकरण कहा जाता है। अगर नगरों में जनसंख्या अधिक होगी तो विभिन्न प्रकार की नगरीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, अतः नगरीय समस्याओं से निजात पाने के लिए नगरीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित करना होगा, और नगरीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। नंबर पांच, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता नंबर पांचवा लिखेंगे, पर्यावरण
प्रदूषण पर नियंत्रण। विद्यार्थियों जितना हम संसाधनों का उपयोग मित्रतापूर्ण करेंगे, कम से कम करेंगे, तो उतना ही कार्बन उत्सर्जन कम होगा। कार्बन उत्सर्जन कम होगा उतना ही पर्यावरण दूषित कम होगा, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित होगा। विद्यार्थियों आगे बताना है नंबर 6 पर, पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के साथ साथ छठा बताना है वह कि आज पारिस्थितिक तंत्र धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, अतः पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने हेतु संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि आज संसाधनों का जितना अधिक दोहन हुआ है उसी हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है, ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है, इसी प्रकार से जीव विनाश होता जा रहा है, मानव की कार्य क्षमता घटती जा रही है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो रहा है, अतः संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके हम ये 6 कारण बताएंगे। इन 6 कारणों से संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। विद्यार्थियों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला बिंदु आता है संसाधन संरक्षण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। संसाधन संरक्षण से उत्पन्न समस्याएं तो लीजिए विद्यार्थियों, संसाधन संरक्षण से उत्पन्न समस्याएं, संसाधन संरक्षण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो हमें सबसे पहला बताना है कि नंबर 1 तीव्र विकास, संसाधन संरक्षण से उत्पन्न समस्या की उत्पन्न समस्याएं तीव्र विकास में बाधा। विद्यार्थियों तीव्र विकास करने के लिए संसाधनों का दोहन बहुत अधिक जरूरी है, लेकिन संसाधन संरक्षण में मित्रतापूर्ण संसाधनों के दोहन की बात की जाती है। यदि मित्रतापूर्ण संसाधनों का दोहन किया जाएगा संसाधन संरक्षण के लिए, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के विकास के लिए समस्या या बाधा उत्पन्न हो जाएगी। मनुष्य का विकास तभी संभव है जब अधिकतम संसाधनों का दोहन होगा। इसके बाद आगे है नंबर 2, नवीकरणीय संसाधनों के पुनर्भरण की समस्या। विद्यार्थियों हमें बताना होगा कि यदि
दोहन अधिक होगा तो निश्चित है कि संसाधनों का पुनर्भरण पूर्ण रूपेण संभव नहीं है। संसाधनों का इतना अधिक पुनर्भरण नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। इसी प्रकार है अनवीकरणीय संसाधनों के समाप्ति की समस्या नंबर 3। नवीकरणीय संसाधनों की समाप्ति की समस्या। विद्यार्थियों, मैंने कहा है सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह आ रही है, संसाधन संरक्षण से उत्पन्न समस्या क्या आई? तीव्र विकास में बाधा। और तीव्र विकास में बाधा आई तो विकास को अवरुद्ध करना पड़ेगा, और यदि तीव्र विकास को बनाए रखना है तो जो नवीकरणीय संसाधन है वो क्या है? समाप्त संसाधन है। एक दिन उनके भंडार धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। यदि विकास के तीव्र विकास को बनाए रखना है तो नवीकरणीय संसाधनों का दोहन अधिक होने से ये समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये समाप्त संसाधन नष्ट हो जाएंगे तो ये समाप्ति की समस्या उत्पन्न हो रही है। एक तरफ तो हम संसाधन संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन संसाधन संरक्षण तीव्र विकास के कारण संभव नहीं है और उसी से ही समस्या उत्पन्न हो रही है। नंबर 4 बताना है कि भावी पीढ़ी का विकास असंभव है, क्योंकि संसाधन का संरक्षण करना है तो उन पर कुछ नियंत्रण करना हो, नियंत्रण करना हो तो भावी पीढ़ी अपना विकास नहीं कर पाएगी। इस प्रकार से हम संसाधन संरक्षण संबंधी ये 4 समस्याएं बताएंगे। अब हमारा इसमें अगला बिंदु आता है, संसाधन संरक्षण में समस्या उत्पन्न करने वाले 4 कारक। संसाधन संरक्षण में समस्या उत्पन्न करने वाले कारक, संसाधन संरक्षण में समस्या उत्पन्न करने वाले कारक कि भाई संसाधनों का संरक्षण क्यों नहीं हो पाएगा, क्या कारण है तो हमें बताना होगा। संसाधन संरक्षण में समस्या उत्पन्न करने वाले 4 कारकों में सबसे पहला कारक आता है जनसंख्या विस्फोट। नंबर 1 जनसंख्या विस्फोट। विद्यार्थियों, आज विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़ है। इससे साबित हो रहा है कि इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या के समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति तभी हो सकती है जब संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो, लेकिन संसाधन संरक्षण में संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर रोक लगाई गई है, मितव्ययतापूर्ण उसका उपयोग करना है ये कहा गया है। अगर ऐसा है मितव्ययतापूर्ण उपयोग तो बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। अतः बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अधिकतम संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता है, इसलिए संसाधन संरक्षण की समस्या उत्पन्न हो रही है। संसाधनों का संरक्षण करना संभव नहीं है जनसंख्या बढ़ने के कारण, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकताएं बढ़ती हुई चली जाती हैं। इसी प्रकार से नंबर 2 बताना है वैज्ञानिक आविष्कार। वैज्ञानिक आविष्कार, विद्यार्थियों हमें बताना है
कि आज बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार होते जा रहे हैं, शोध अनुसंधान होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण को बल मिल रहा है, उद्योगों का विकास लगातार होता जा रहा है, उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उद्योगों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ नगर ये जो क्षेत्र है, नगर है, उनमें भी वृद्धि हो रही है, अर्थात नगरीकरण हो रहा है। तो बताएंगे कि वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बहुत सारे उद्योग विकसित हो रहे हैं, नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, और औद्योगिकरण के कारण नगर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब जब ऐसा होगा तो एक तरफ तो उद्योगों का विकास हो रहा है, तो बढ़ते हुए उद्योग या उद्योग की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे इन्हें कच्चे माल की आवश्यकता भी बढ़ेगी। कच्चा माल क्या है? संसाधन है, तो संसाधनों का दोहन अधिक होगा, अतः वैज्ञानिक आविष्कार संसाधन संरक्षण में एक बाधा है। ऐसे ही औद्योगिकरण होगा तो वहां लोग जाकर के बसेंगे, नगरीकरण होगा तो वहां आने जाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता बढ़ेगी, परिवहन के साधनों की आवश्यकता बढ़ेगी तो उसमें भी संसाधनों का दोहन होगा, अतः वैज्ञानिक आविष्कार के परिणाम स्वरूप भी संसाधन संरक्षण में समस्या उत्पन्न हुई है। तीसरे समस्या बतानी है, नंबर 3, पश्चिम में उपभोक्ता वादी नीति। विद्यार्थियों, जो पश्चिमी देश है, यूरोपीय देश है, इन देशों की नीति उपभोक्तावादी है, कि इनका मानना है कि संसाधनों का जितना अधिक दोहन किया जाए, जितना अधिक उपभोग किया जाए उतना ही अच्छा है, अधिकतम उपयोग के संसाधनों के अधिकतम उपयोग की प्रवृत्ति पर बल देते हैं पश्चिमी देश, जिसके कारण वहां संसाधनों का अधिक दोहन हो रहा है, जो संसाधन संरक्षण के लिए एक समस्या के रूप में है। और अंतिम बताना है अधिकतम विकास के प्रति, अधिकतम विकास के प्रवृत्ति। विद्यार्थियों, आज प्रत्येक देश अपने आप को एक देश से आगे निकालना चाहता है, प्रत्येक देश चाहता है कि मैं सभी देशों को पछाड़ के सबसे आगे निकलूं, अतः वह देश विकास की प्रवृत्ति को और आगे बढ़ाना चाहता है, और विकास की प्रवृत्ति को जैसे जैसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, संसाधनों का दोहन उतना ही अधिक होगा, जो संसाधन संरक्षण में एक समस्या है, बाधा के रूप में है। इस प्रकार से संसाधन संरक्षण की आवश्यकता, संसाधन संरक्षण की समस्या, और संसाधन संरक्षण में समस्या उत्पन्न करने वाले कारक, इनका हमने अध्ययन किया है। आज हमारा अध्ययन यही समाप्त होता है विद्यार्थियों, इसके बाद हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।